नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लयुमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं, अभी उत्तराखंड में एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अभी थोड़े दिन पहले UK SSSC ने फॉरेस्ट गार्ड के 845 पदों के लिए आपसे आवेदन मांगे हैं और उसके बाद लगते हाथ एक आपकी और वैकेंसी आ गई है। किस चीज़ के? वो उत्तराखंड पोस्टल सर्कल GDS रिक्वायरमेंट 2021, यानी उत्तराखंड में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती का नोटिफिकेशन वो जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि उत्तराखंड पोस्टल सर्कल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उत्तराखंड GDS का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उत्तराखंड ग्रामीण डाक सेवक की आपकी सैलरी क्या रहेगी, उत्तराखंड पोस्टल सर्कल GDS का आपका सिलेबस क्या होगा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं है वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट हो या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज़ के बारे में है? उत्तराखंड ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन वो अभी हाल ही में जारी किया गया है। भारतीय डाक विभाग ने उत्तराखंड पोस्टल सर्कल में शाखा डाक मास्टर यानी BPM, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर यानी ABPM और डाक सेवक सहित ग्रामीण डाक सेवक पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना प्रकाशित की है। इस अधिसूचना के अनुसार इंडियन पोस्टल सर्कल ने उत्तराखंड में GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक के 581 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार पोस्ट ऑफिस भर्ती 2021 यानी UK पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2021 के लिए डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट APPost.in के माध्यम से 23 अगस्त से 22 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। यहां हम उत्तराखंड पोस्टल सर्कल GDS भर्ती 2021 यानी उत्तराखंड डाक सेवक भर्ती 2021 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, आवेदन शुल्क क्या होना चाहिए और आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं UK यानी उत्तराखंड ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। तो EWS के लिए टोटल 57 पद हैं, OBC के लिए 78 पोस्ट है, PWD E की 2 पोस्ट है, PWD B की 6 पोस्ट है, PWD C की 7 पोस्ट है, SC के लिए 99 पोस्ट है, ST के लिए 15 पोस्ट है और जनरल के लिए 317 पोस्ट है। तो टोटल अगर बात करें तो 581 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो उम्मीदवार है वो 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और साथ में उसके पास एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। दो बातें और हैं इनमें से, अगर तीसरी बात की अगर बात करें तो आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। चौथी बात की अगर बात करें तो आपको वहाँ की क्षेत्रीय लैंग्वेज यानी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको पढ़नी लिखनी और समझनी आनी चाहिए। तो अगर ये आपको ये चार चीज़ें आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकोगे। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो कम से कम आपकी आयु सीमा वो 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम एज की अगर बात करें तो आपकी आयु वो 40 वर्ष हो सकती है, यानी आपकी जो मैक्सिमम आयु वो 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आयु में छूट मिलती है सरकारी नियमों के अनुसार वो आपको छूट है वो यहाँ पे भी दी जाएगी। इसके लिए आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। अगर बात करें उत्तराखंड ग्रामीण डाक सेवक वैकेंसी ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है उसके बारे में, तो 23 अगस्त से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, यानी आज आपके फॉर्म भरने वो शुरू हो चुके हैं। अगर लास्ट डेट की बात करें यानी उत्तराखंड GDS ऑनलाइन फॉर्म की अगर लास्ट डेट की अगर बात करें तो आप 22 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो, यानी 22 सितंबर तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करवा सकते हो। उसके बाद अगर आप भरते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं अप्लीकेशन आपकी फ़ीस क्या रहेगी इसमें। तो जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है, SC और ST कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, यानी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है फॉर्म है वो भरा जाएगा। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकोगे। अब बात करते हैं ग्रामीण डाक सेवक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो ग्रामीण डाक सेवक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो उम्मीदवारों का चयन है वो
मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा, यानी उम्मीदवारों का चयन है वो एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई आपको पेन पेपर का आपका काम नहीं है। ओनली ऑन अगर बात करें आपकी मेरिट लिस्ट है वो किस आधार पर बनेगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होगा आपका। तो इसके बारे में अगर बात करें तो आपकी जो मेरिट लिस्ट है उत्तराखंड ग्रामीण डाक सेवक की, वो बनेगी आपकी जो 10वीं कक्षा में प्रतिशत अंक आए आपके उसके बेस पे, यानी जिसके ज़्यादा प्रतिशत होंगे वो ही इस जॉब का हकदार होगा। ये चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लेना कि जिसके ज़्यादा प्रतिशत अंक है 10वीं क्लास में वो ही इस जॉब को क्या पा लेंगे, और जॉब भी ऐसी है कि आप 2-3 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर हमने अब की बार यानी 2021 में हमारा रिजल्ट आया है, वो स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो वो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास यानी कोई भी हो, चाहे उन्होंने 12वीं पास की हो, ग्रेजुएशन की हो, उनका उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा यहाँ पे, यानी जो हायर एजुकेशन है उसका कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे। आपके जो परसेंटेज है वो सिर्फ 10वीं के जुड़ेंगे, 12वीं का और ग्रेजुएशन का यहाँ पे कोई यहाँ पे क्या है बेनिफिट नहीं होने वाला आपको। और साथ में आपके पास क्या है, एक डिप्लोमा होना चाहिए कम से कम 60 दिन का, कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तो आप क्या है अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड ग्रामीण डाक सेवक एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स 2021, यानी आपकी कट ऑफ है वो क्या जा सकती है 2021 की उत्तराखंड ग्रामीण डाक सेवक की। तो इसमें अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के जिनके 90 से 92% हैं वो आराम से क्या इसमें सिलेक्शन पा लेंगे। अगर बात करें ओबीसी कैटेगरी के लिए तो 85 से 90 जिनके प्रतिशत हैं वो इसमें आराम से क्या है अपनी एक सीट है वो पक्की कर लेंगे। अगर बात करें एससी कैटेगरी के लिए तो आपके 75 से 80% है जिनके वो आराम से क्या है इसमें नौकरी है वो पा लेंगे। एससी और एसटी के उम्मीदवार एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अगर बात करें तो 70 से 72% जिनके हैं 10वीं क्लास में वो आराम से इसमें बाजी मार जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने आपको बताई है प्रतिशत, ये थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ क्या है एक अनुमान है, ये सिर्फ एक अनुमान है, वो तो आपके फॉर्म पर डिपेंड करेगा कितने कैंडिडेट है वो अप्लाई कर रहे हैं और उसी के हिसाब से कि आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। जब आप फॉर्म भरोगे तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें एक फोटो लगेगी आपकी, जो अभी आपकी जो लास्ट 6 महीने की जो आ रही है फोटो है वो लगेगी, सिग्नेचर होना चाहिए आपका, 10वीं क्लास की मार्कशीट की फोटो कॉपी, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट। दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका खुद का फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर जो आप खुद रखते हो, जो आप खुद यूज़ करते हो वो फ़ोन नंबर, और एक आपकी पर्सनल ईमेल आईडी, ईमेल आईडी आपकी जो खुद की होनी चाहिए, जो आपकी पर्सनल है वो यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इसमें मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी तो आपकी ईमेल पर मेल की जाएगी और आपको डेट बताई जाएगी कि आप तक कब तक ज्वाइनिंग है वो आपको दी जाएगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, फ़ोन नंबर आपका खुद का होना चाहिए और ईमेल आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए। कई बार क्या होता है जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो वहाँ पे जो फॉर्म भरता है वो अपनी ईमेल आईडी इसमें डाल देता है और जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसकी आईडी पे आती रहती है, लेकिन वो कभी चेक नहीं करते हैं और इसमें लॉस हमारा हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ईमेल आईडी खुद की डालनी है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। बात करते हैं उत्तराखंड जीडीएस सैलरी के बारे में, तो इसमें दो स्लेब होते हैं, एक होता है मिनिमम टीआरसी 4 हॉर्स का और एक होता है मिनिमम टीआरसी 5 हॉर्स का। तो अगर बात करें मिनिमम टीआरसी 4 हॉर्स का, जो लेवल फर्स्ट का टीआरसी स्लेब है उसके बारे में, ब्रांच पोस्ट मास्टर की आपकी सैलरी होगी 12,000 रुपये इसमें, और एबीपीएम और डाक सेवक की सैलरी होती है इसमें 10,000 रुपये। अगर बात करें मिनिमम टीआरसी 5 हॉर्स लेवल 2 एंड टीआरसी स्लेब, तो इसमें 14,500 रुपये सैलरी होती है आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर की। और अगर बात करें इसमें एबीपीएम और डाक सेवक की आपकी सैलरी होगी 12,000 रुपये। तो ये आपकी एक भर्ती अधिसूचना आई है उत्तराखंड की, उसके बारे में एक छोटी जानकारी थी जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि उत्तराखंड ग्रामीण डाक सेवक का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, उत्तराखंड जीडीएस का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, उत्तराखंड जीडीएस की आपकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी, उत्तराखंड जीडीएस का सिलेबस क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपकी भर्ती आई है इसके बारे में हमने
बातें थी वो डिस्कस कर ली है। आशा करते हैं हमने आपको जानकारी प्रोवाइड करवाई वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर देना है ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।